हम निकल रहे हैं रुई डोसो। ठंड भी ज्यादा नहीं है और बर्फ जमी हुई है। बेसिकली मेरी मॉम जूनागढ़ से। अच्छा, डैड इज फ्रॉम कराची पाकिस्तान। आज हम कहाँ जा रहे हैं? व्हाइट सैंड्स। व्हाइट सैंड में आगे सनसेट व्हाइट सैंड में करेंगे। अच्छा, सनसेट वहाँ करेंगे। सभी लोग चेक होंगे क्या? चेक नहीं, पूछते हैं। जैसे कि आज हम बताएं कि मैं ग्रीन कार्ड हूँ, मैं सिटीजन हूँ, ये ग्रीन कार्ड है, आप विजिटर हो। अच्छा, तो देखेंगे सबका। ओके ओके, बॉर्डर पेट्रोल वगैरह का हिसाब किताब आ गया सामने। मुझे निकालना है पासपोर्ट? वो मांगेगा या आपको निकालना पड़ेगा। क्वार्टर माइल स्लाइड राइट ऑन टू US 70 ईस्ट। But this is the border patrol station and see, उन लोग ट्रक्स वगैरह सब कुछ पड़े हुए हैं और यही वो बोलते रहेंगे। चेक पोस्ट आर ए क्रिटिकल एनफोर्समेंट टूल फॉर सिक्योरिंग आवर नेशंस एजेंसी यूसी चेक पोस्ट कोर वैल्यूज। थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन व्हेन ट्रैवलिंग थ्रू ट्रैफिक चेक पोस्ट। ओके, रजिस्टरिंग योर पेट्स कैनाइन ऑन ड्यूटी। ओके, hello. How many on board? Three. Everybody US citizens? Nope. I am citizen, green card and visitor. Visa? Visit visa. Yeah. Visa, please. Your passport. What kind of visa? He's on a visa B1, B2. You're welcome. मेरा वीज़ा उन्होंने चेक किया, उन्होंने अपने हाथ में भी नहीं लिया पासपोर्ट, मैंने इसको खोल के दिखा दिया था। तो US में मैं जब से आया हूँ, ये पहली बार मैंने अपना पासपोर्ट अपने खोल के दिखाया किसी को। और ये क्यों किया इधर बॉर्डर पेट्रोल क्यों है? क्योंकि वी आर पैरेलल टू न्यू मेक्सिको कंट्री। तो यहाँ से मेक्सिको कंट्री लोग काफी अंदर आ सकते हैं इलीगली। राइट। तो ये एरिया से न्यू मेक्सिको में से आप कहीं भी बाहर निकलते हो, हाँ जी, उधर बॉर्डर पेट्रोल है या जिसको चेक करना है कि सभी लोग लीगल हैं। फाइटर प्लेन एयरफोर्स बेस। अच्छा, काफी नीचे उड़ रहा है क्या वो? हाँ, कैमरा में कैप्चर नहीं हो पाता, अदरवाइज दिखाता मैं आपको, शायद एकदम मिल जाए क्लोज जाते टाइम। हाँ, मतलब इस एरिया में काफी बॉर्डर पेट्रोल चेक पोस्ट सब जगह पॉइंट रहेगा। यस, अदर साइड ऑफ अल पासो एंड लास क्रूजेस अलोंग साइड बॉर्डर इनसाइड ऑफ द मेक्सिको द टाउन कॉल्ड हुआरेस। अच्छा, विदाउट हुआरेस इज द नोटोरियस बॉर्डर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड मेक्सिको। अच्छा, द लार्जेस्ट ह्यूमन ट्राफिकिंग एंड ड्रग ट्राफिकिंग कम्स थ्रू दिस बॉर्डर। ओके, सो दैट्स व्हाई दे कीप वेरी स्ट्रिक्ट। वैसे टेक्निक्स भी बड़ी अच्छी हैं इनकी। पहले इन्होंने पूछ लिया आपसे कि हाउ मेनी पीपल, आपने 3 बोला, और अगर 3 के अलावा बाय चांस अगर वो चेक करते हो चौथा निकल आता कहीं छिपा हुआ साइड वगैरह। वरुण भाई, वो तो उसने पहले ही चेक कर लिया है, जो कैमरा है, आप जब भी जहाँ स्पीड डाउन करते हो वहाँ ऊपर और सब जगह साइड में कैमरा है, सो दे आर रिकॉर्डिंग योर कार इन एंड आउट। ओके, अच्छा, कोई चांस नहीं था। और ओके, वो स्कैनर, हां, उसमें से आपको गाड़ी के अंदर का भी वो दिखेगा। And you are being किसी को ट्रंक में नहीं बिठाया है। And you are being monitored from there, right? अंदर एक बंदा बैठा हुआ है। अगर ऐसा कुछ भी डाउट लगता है तो ये सीधे आपको साइड में बोलो, उधर खड़ी कर दो। अंदर कई सारे बंदे, क्योंकि इतने ट्रक तो वहीं ऐसे ही पड़े थे, तो कहीं ना कहीं तो होंगे वो लोग। या ऑफिस में बैठे होंगे, कंप्यूटर पे या कैमरा पे, इनसे बचना मुश्किल है। Thank you.
White Sands National Monument Visitor Center. Basically, White Sand, सफ़ेद रंग की रेत है, पूरा का पूरा प्लेन एरिया है, नेशनल पार्क है ये. जैसे जैसलमेर में है ना डेजर्ट नेशनल पार्क, वहाँ पर तब एक हिमाल के तहत एरिया है, ऐसे ही ये White Sands National Park. हवा चल रही है, पता नहीं GoPro 9 में कैसा काम कर रहा होगा इसका जो माइक्रोफोन है, बट कुछ अगर इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो यहाँ से जाके ले सकते हैं. फिलहाल मैं ज़रा मास्क ऑन कर लेता हूँ. दिस इज टुडेज एक्टिविटी. क्या कहाँ ये जो सारा स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली मुझे याद आ रहा है मेरे जो होस्ट थे वहाँ टूसान में, वो एक आर्किटेक्ट थे, तो उन्होंने भी बताया था ये बेसिकली मोटी मोटी दीवार हैं ये, yeah. मिट्टी की बनी हुई है, yeah. और इसके ऊपर प्लास्टर इन्होंने वो चढ़ाया हुआ है. तो अपने इंडिया में नहीं करते हैं पुराना घर जैसे. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जैसे गुजरात में मैंने देखा था, मैं कच्छ में था तो वहाँ पर ऐसे ही बने हुए थे, बहुत मोटी मोटी दीवार थी. और बुंगा कहाँ कच्छ में जो दीवार होती है. अच्छा जो हट होती है. अच्छा मगर यहाँ इनको बोलते हैं एडोबी, ये जो घर बने हुए हैं. और ये जो सारा जो रेगिस्तानी एरिया है इस देश का, वो बेसिकली मेक्सिको, न्यू मेक्सिको और एरिजोना में है. तो देखो कितनी मोटी मोटी दीवार है ये, मेरे ख्याल से आराम से 9 इंच की दीवार होती है ना हमारे यहाँ पर शहरों में. ये उसकी डबल ट्रिपल है ये. ये बेसिकली वही विजिटर्स सेंटर, मतलब जैसे मेरे सबसे फेवरेट होते हैं टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इन्होंने ये दो कैटलॉग्स दे दिए हैं. चाहें तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं. इन्होंने कहा कि अभी कोविड की वजह से यहाँ परमिट्स नहीं दे रहे हैं, अदरवाइज़ रह भी सकते थे. रेंजर गाइड्स नहीं हैं, अदरवाइज़ वो आपको अंदर लेके जा सकते थे, लेकिन एक मैप है जिसको लेके आप काफ़ी अंदर तक जा सकते हैं. जैसे जैसे अंदर जाएंगे सैंड ड्यून्स नज़र आते जाएंगे. उना उन दिया एन लास दुनास, राइट अदे इन ओ दिया एन लास दुनास. अच्छा ये मैप है, हम यहाँ हैं इस वक्त और यहाँ से आगे जाएंगे तो ड्यून लाइफ नेचर ट्रेल है, जिसकी करीब 4 किलोमीटर का ये ट्रेल है. और आगे बढ़ेंगे तो एंड ऑफ पेवमेंट. मैं इसकी फ़ोटो लेने वाला हूँ, फिर हम प्लान करते हैं कि हम कहाँ जाएंगे. वैसे तो सब जानते हैं हमारे जनाब, लेकिन फिर भी ये हेल्प करेगा मैप. अमेरिका का जो मिसाइल आर्मी, जब जो यूएस आर्मी है उसने जब मिसाइल्स टेस्टिंग जो शुरू की थी, इनफैक्ट जो स्पेस प्रोग्राम है उन्होंने यहाँ वाइट सैंड से शुरुआत की थी. ये वो एरिया है. फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब वाज टेस्टेड इन जुलाई 60 माइल्स ऑफ वाइट सैंड्स. इन दिस फोटो यू कैन सी द ब्लास्ट कंटेनमेंट कैनिस्टर जंबो 1945. ये सब बकवास हैं, ये मेरे लिए, आपके लिए भी होनी चाहिए, सबके लिए होनी चाहिए. कमबख्त अपने हथियारों पर हम लोग इतना प्राउड फील कर रहे हैं, और हथियार किस काम आते हैं हम सबको पता है. जब तोड़ने फोड़ने मारने पीटने के काम जब आनी है वो चीज़ें, तो हम उसके लिए इतना प्राउड क्यों फील करते हैं यार. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, गर्मियों के दिनों में अगर आप आ रहे हैं, पानी खूब सारा रखें. देखता हूँ लिखा हुआ है कि 10 सेकंड तक दबा के रखना, तभी पानी आएगा उसमें. कितने हो गए थे, नहीं कहते 6-7 सेकंड तो हो गए होंगे. 9-10 आओ, नहीं आ रहा, लगता ख़राब है. कोविड की वजह से लोगों ने सांस लेना बंद कर दिया, लोगों को प्यास भूख लगनी बंद हो गई है, तो इसलिए इन लोगों ने पानी भी बंद कर दिया कोविड की वजह से. वेरी गुड सर, इसको भी ट्राई करते हैं. यहाँ मधुमक्खियाँ उड़ रही हैं, इनको पानी की, मधुमक्खी नहीं है ये, वो हैं कुछ तो हैं मधुमक्खी जैसे. ओह इसमें आ रहा है, चलो कम से कम इनको पानी मिलेगा. अब मैं अपनी बॉटल भरूंगा कम से कम यहाँ से. आरो
देखो यहाँ तक कुछ नहीं है, आप जैसे ही अंदर जाते जाओगे आपको लगेगा सही क्या चीज है सच में। ओके प्राइवेट, अच्छा ये एंट्री फीस है, एंट्री फीस है लिखा हुआ है प्राइवेट व्हीकल के लिए $25, मोटरसाइकिल $20 पर पर्सन। अगर आप पैदल भी जा रहे हैं और अगर आप 16 साल से ज़्यादा हैं तो आपको $15 देने ही पड़ेंगे, कोई और तरीका नहीं है, तैर के जाने सकते। We have the annual pass. अच्छा एनुअल पास आपने ले रखा है, वो कितने का है? 45 अरे ये ज़्यादा अच्छा है, $45 मतलब एक बार की एंट्री के लिए $25 दो, इससे अच्छा एनुअल पास ले लो $45 में। ये हमारा है पूरे फेडरल जितने भी नेशनल पार्क है उसका कार्ड है, हम अमेरिका में कहीं भी जाए नेशनल पार्क में इसमें नहीं है। आप जब भी ग्रैंड कैनियन जाओगे ऐसा है क्या? हाँ, तो वो कहाँ से मिलता है? यहाँ से मिल जाएगा, यूएस सिटीजंस और परमानेंट रेजिडेंस के लिए है वो। और उसकी कितने क्या कीमत है? $80 ये ज्यादा अच्छा है। अभी आप ग्रैंड कैनियन जाओगे तो वहाँ भी आपको $40 या $25 भरना पड़ेगा एंट्रेंस का। अच्छा ये कार्ड अगर साथ में है निहाल के, he will not have to। मैं देख सकता हूँ एक मिनट? Yeah, sure। Rio Doso। Good, how are you, sir? All right, did you need a map? Yes, sir, please. Sign that soon, okay? That's what makes it valid. Sorry? Sign your pass soon, that's what makes it valid. There's no signatures on the pass. Okay. Thank you. Have it done. Helpful safety information. Drink plenty of water. We recommend 1 gallon, यानी 4 liter पानी हर आदमी के पास होना चाहिए। सारा रेगिस्तान है, रेत कैसे उड़ रहा है देखो जरा। और एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने क्योंकि ड्रोन लेकर आया था तो बहुत ही साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया एयरबेस यहाँ पर साथ में, क्या नाम था उसका? हॉलोमन एयरफोर्स बेस यहाँ पास में, तो ड्रोन्स तो स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड हैं, जबकि मैं इसको अपने यहाँ रख के बैठा हुआ मैं कि जैसे मौका मिलेगा उड़ाऊँगा। खैर वो अलाउड नहीं है। जो पाछू ना बोलू।
ग्रेट, क्या करना है इसका? हाँ, इसके क्या करना है? इसके ऊपर ऊपर ले जाके उसके ऊपर बैठ के नीचे आएंगे आराम से टहलते टहलते। यस, मेरे को जूते निकालने दो। अभी पता है क्या हुआ, मैं जूते उतार रहा था अपने, मैंने और निहार भाई ने जूते उतार लिए हैं, और निहार भाई के पास एक मोहतरमा आई। ये कौन थी? ये यहाँ पे ऐसे कोई मतलब एक टूरिस्ट है। उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने कहा कि आप लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हो, मैं आपको वो देती हूँ वैक्स लगाने के लिए, और उन्होंने कहा इससे क्या होगा कि फिसलने में आसानी होगी। मैं एक्चुअली ये शेयर करना चाह रहा था कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, मतलब वो सिर्फ एक टूरिस्ट थी, उनके पास वैक्स था और वो ऐसी लगा के चली गई इसके ऊपर। सो नाइस, कितना अच्छा लगा हेल्प करने के लिए। पहले मुझे लगा कहीं ऐसा ना पैसे मांगे वो आपसे, मतलब होता है ना कई बार जैसे न्यूयॉर्क में, मैं बता रहा हूँ आपको, टाइम स्क्वायर के पास आपके पीछे आएंगे और आपके साथ में फ़ोटो खिंचवाएंगे और आप फ़ोटो खिंचवा लेंगे, बोलेंगे लाओ $10, और ऐसा हर जगह पर होता है। मुझे लगा ये भी अट्रैक्शन है, शायद दिमाग के कोने में वो बात आई, पर उनको देख के लग रहा था कि वैसे नहीं होंगे, बट फिर भी शी वॉज गुड। आप नहीं आ रहे पक्का? मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर से। ठीक है, ओके, मैं भागता हूँ। ठीक है, ओके, गिरने में भी मजा आएगा। अरे मगर रेत ठंडी है, मजा। हेलो, पर तिरछे चढ़ने में फिर भी थोड़ा सा आसान है। मैं तो गिर रहा हूँ। फिर नीचे पहुंच गया मैं तो। हाय, अबे ओ गॉड, मुझे बैठना पहले, मेरे पैर ठंडे हो गए। ओए होए होए होए, हाय हालत खराब हो गई, बड़े ठंडे पैर हो गए। Here he goes. One, two, three. Over there. ये मजेदार था। This was good. Yeah. ओहो, तीसरी बच्ची मेरी जगह पर आ गई। मैं गिरने वाला हूँ पक्का। ओके, ओ भाई साहब, ओ भाई होइ तेरी सुपर जस्टी होइ। आई लव लाइक अब गिरे ना पाजी। हाँ, वैसे मगर चोट नहीं लगी जरा भी, क्योंकि रेत है ना सारी। थैंक्स, थैंक यू, वेलकम। चलिए सर, अब हम तैयार हैं घर वापस जाने के लिए, हमारी घर वापसी होने वाली है। घर वापसी।